हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट जॉब सपोर्ट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके अप्रेंटिसशिप एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। आपके अप्रेंटिसशिप एग्ज़ाम में दो प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं, एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम और एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। इन दोनों एग्ज़ाम के बारे में विस्तार से जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो इसमें आपको मैं बताऊँगा कि आपकी अप्रेंटिसशिप की ऑनलाइन फॉर्म कब फिल होगी, आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम किस तरह से होते हैं, उसका मार्क्स का डिटेल्स क्या है, प्रैक्टिकल और ऑनलाइन एग्ज़ाम के मार्किंग का डिटेल्स क्या है, रिजल्ट कब तक आते हैं, और जो रिजल्ट आने के बाद कैंडिडेट फेल कर जाते हैं उन कैंडिडेट को नेक्स्ट क्या करना होता है। तो इन सारे टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको अप्रेंटिसशिप से जुड़ी सभी प्रकार की न्यूज अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ये लाल कलर का जो बटन है इसे प्रेस कर दें, और उसके बाद प्रेस करने के बाद वेल आइकन को दबाएं। वेल आइकन को दबाने के बाद ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें, इससे हमारे द्वारा डाली गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम की फॉर्म फिलिंग के बारे में। दोस्तों अप्रेंटिसशिप का एग्ज़ाम, अगर आपकी अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग लगभग कम्प्लीट हो गई है तो अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर एक लिंक एक्टिवेट होता है जो अप्रेंटिसशिप की एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल करवाती है। उस समय जब आप फॉर्म फिल करने जाएंगे तो आपको अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर और अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जो आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाला था वो दोनों आपको एक्टिवेट करके लेके जाना होगा, और एक फ़ोटो आप अपना रख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी प्रोफाइल में फ़ोटो मिसमैच या फिर फ़ोटो नहीं रहते हैं तो आपको वहाँ पर अपडेट में काम आएगा। तो आगे बात करते हैं लैब के बारे में। लैब एग्ज़ाम के बारे में बात करने के लिए आपको जो है दोस्तों, आपको एक एडमिट कार्ड, आपको लैब का एडमिट कार्ड आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन से मिल जाएंगे, और आपकी जो लैब की एग्ज़ाम होगी वो टोटल 8 घंटे की होगी। 8 घंटे में आपको अपना जॉब फिनिश करके सबमिट करना होगा, और वहाँ पे जो आपको अपना जो टूल्स लेके जाना है, जो टूल्स अलाउड है वो टूल्स आप लेके जा सकते हैं, और बाकी का टूल्स आपको अपने लैब में ही प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। दोस्तों हॉल टिकट के साथ आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन का आइडेंटिटी कार्ड और एक आईडी कार्ड, आपका अपना पर्सनल आईडी कार्ड, जैसे कि वोटर कार्ड, पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड, आप अपना एक लेके जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हॉल में। दोस्तों बात करें ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, जो थ्योरी पेपर की ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसे बोला जाता है CBT टेस्ट, उसके बारे में अगर बात करते हैं तो आपकी जो ये एग्ज़ाम है वो एक दिन में 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया जाता है। आपका एग्ज़ाम या तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में लैब की व्यवस्था अच्छी होने के कारण आपकी एग्ज़ाम वहाँ भी हो सकती है, अदरवाइज आपके नज़दीक की शहर में आपको कोई भी साइबर कैफ़े या इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पे आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो वहाँ पे आपको जो लेके जाने के लिए डॉक्यूमेंट है वो आप अपना हॉल टिकट, जो एक दो हॉल टिकट आपको मिल रहा है, एक प्रैक्टिकल के लिए और एक थ्योरी एग्ज़ाम के लिए, तो थ्योरी एग्ज़ाम का हॉल टिकट आपको वहाँ लेके जाना होगा, साथ में इंस्टीट्यूट का आपका आईडी कार्ड होना चाहिए और एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड पर्सनल आईडी कार्ड आपकी होनी चाहिए। ये 3 सामान के साथ आप वहाँ जाएँ और एक पेन ले लें, ऐसे लैब में आपको पेन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अब बात करें क्वेश्चंस की, तो टोटल एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों आपको 50 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, मींस अगर आप 50 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और उसमें से लक
के थ्रू आपका 30 क्वेश्चन सही होता है, तो आपको 30 क्वेश्चन के अनुसार आपको 60 नंबर मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे, टोटल क्वेश्चन 50 रहेंगे। टोटल क्वेश्चन के जो 50 क्वेश्चन हैं उसके टोटल मार्क्स जो है 100 नंबर के रहेंगे। और दोस्तों पासिंग मार्क्स की बात करें तो आपको टोटल 40 नंबर में पास कर जाएंगे। तो 40 नंबर लाने के लिए आपको 20 क्वेश्चन का जवाब सही देना होगा। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड की बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन की जो स्टैंडर्ड होगी वो आपके ITI का सिलेबस, जो ITI में सिलेबस था आपका, उसी बुक्स के थ्रू आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छी रहेगी, मींस अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको वहां पे मिलेंगे। और हो सकता है 2-3-4 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मिले। और प्रत्येक चैप्टर से आपको 2-3 या 1 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। तो ये तो थी दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम टेस्ट के बारे में। और एक बात और बता दें दोस्तों कि आपकी 2 घंटे की एग्ज़ाम होगी, लेकिन आपके लिए 2 घंटा मोर देन इनफ होगा, क्योंकि आप टोटल 50 क्वेश्चन का एग्ज़ाम भी देंगे तो भी आपको 1.5 आवर में आपकी एग्ज़ाम लगभग कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए आपको समय पूरा दिया जाएगा, आप समय का चिंता ना करें, आप टोटल क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ें और आप अपना एग्ज़ाम सही सही दें। तो बात करेंगे अब हम लोग मार्क्स डिटेल्स के बारे में कि लैब में और थ्योरी पेपर के मार्किंग का क्या डिटेल्स है। दोस्तों प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आपको 2 तरह का एग्ज़ाम होगा, एक तो प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम होगा जो आपको टोटल मार्क्स 300 का रहेगा, उसमें आपको 180 मिनिमम लाना होगा प्रैक्टिकल लैब एग्ज़ाम में। और वहां पे आपको सेशनल मार्क्स भी मिलते हैं, वो टोटल 100 के होते हैं और वहां पे आपको मिनिमम 60 मार्क्स लाना होगा। ठीक है, इसमें आपको ओवरऑल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में 60% मार्क्स लाना है पास करने के लिए। बात करें थ्योरी एग्ज़ाम की, तो थ्योरी एग्ज़ाम जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम 100 मार्क्स के होंगे, जिसमें कि आपको 40 नंबर लाना है पास करने के लिए। और वहाँ पे फिर एक सेशनल एग्ज़ाम होते हैं, सेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मार्क्स मिलते हैं वो टोटल 20 नंबर का होता है, उसमें आपको मिनिमम 8 नंबर लाना होता है। तो ये तो बात रही टोटल मार्किंग का। तो आपको दोस्तों मार्क्स की डिटेल्स आपको समझ में आ गई होगी, ऐसे स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है मार्क्स डिटेल्स, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो टोटल एग्ज़ाम आपका 520 नंबर का एग्ज़ाम होता है दोस्तों, जिसमें कि आपको ट्रेड थ्योरी में आपको 40% मार्क्स ला के पास करना है और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में 60% मार्क्स ला के पास करना है। अब बात करते हैं दोस्तों रिजल्ट के बारे में। तो रिजल्ट दोस्तों अप्रेंटिसशिप के रिजल्ट 2.5 से 3.5-4 महीने के अंदर आपको मिल जाएंगे। ऑनलाइन रिजल्ट डिस्प्ले हो जाते हैं, इंस्टीट्यूट में भी हार्ड कॉपी के रूप में रिजल्ट आ जाते हैं, फिर आप अपना मार्कशीट कुछ महीने के बाद जाके कलेक्ट कर सकते हैं, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ऑनलाइन भी डाउनलोड होते हैं, उसकी वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां देखिए कि अप्रेंटिसशिप का मार्कशीट और सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड कैसे किया जाता है, वहां पे बताया गया है। अब दोस्तों बात करें फेल कैंडिडेट की, जो कैंडिडेट रेगुलर में फेल हो जाते हैं उनके लिए नेक्स्ट 6 मंथ के बाद जो सेशन आने वाला होता है उस सेशन में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके लिए आपको एक फॉर्म फिल करना होगा, आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे सप्लीमेंट्री और रेगुलर फ्रेशर कैंडिडेट का लिंक आता है, तो आपको फ्रेशर कैंडिडेट या रेगुलर कैंडिडेट वाले ऑप्शन पे नहीं जाना है, आपको सप्लीमेंट्री का एक लिंक एक्टिवेट होगा, उस लिंक को ओपन करना होगा और उसी लिंक पे आपको अपने अप्रेंटिसशिप नंबर के थ्रू, अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू फॉर्म अप्लाई करेंगे सप्लीमेंट्री का और फॉर्म फिल कर देंगे। और नेक्स्ट 6 मंथ बाद, मींस जिस समय आपने एग्ज़ाम दिया उसके 6 मंथ बाद आपकी फिर से अप्रेंटिसशिप की उसी पेपर की एग्ज़ाम होगी जिस पेपर में आप फेल किए हैं।
या तो थ्योरी या तो प्रैक्टिकल, या फिर दोनों में अगर फेल किए हैं तो दोनों के लिए आप फॉर्म फिल करेंगे और वो दोनों पेपर का एग्ज़ाम देंगे, या फिर एक पेपर में फेल किए हैं तो एक पेपर का ही एग्ज़ाम देंगे और वो रिज़ल्ट आपके फिर सेम प्रोसीजर के थ्रू नेक्स्ट 2-3 महीने में आ जाएंगे। तो दोस्तों आज हमने बात किया कि अप्रेंटिसशिप के एग्ज़ाम के प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इम्पॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप फेसबुक पे ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसे लगी। चलिए दोस्तों, थैंक यू।